हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कुकिंग इन देसी स्वैग। आज मैं आपके साथ लौकी के कोफ्ते की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। ऐसे तो ये काफ़ी ही सिंपल रेसिपी है, हर कोई अपने अपने घर में बनाते होंगे, बट मैंने इसमें कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट्स यूज़ किए हैं जो इसका टेस्ट और बढ़ा देगा और यूनिक बना देगा इस रेसिपी को। तो फिर इसके लिए आपको ये रेसिपी अंत तक देखनी होगी। अगर ये मेरी रेसिपी पसंद आए तो आप मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें, और आप इस तरह से ज़रूर से बना के घर पे ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा सबको कैसा लगा, आपको कैसा लगा। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने ये खरबूजे के बीज ले लिए, मस्क मिलन के शीट्स, और ये काजू, इसे मैंने गर्म कर लिया और आधे घंटे के लिए रख दिया है। और फिर मैंने ये लौकी ली है इतनी, ये लौकी मैंने 3 लोगों के हिसाब से ली है, ऐसे 8 कोफ्ते बन जाएंगे। लेकिन अगर आपके यहाँ काफ़ी शौकीन है खाने के तो आप थोड़े और ज़्यादा ले लीजिएगा। और इसे मैंने ग्रेट कर लिया है। ग्रेट करने के बाद मैंने इसका अच्छे से पानी निकाल लिया है। चाहे आप हाथ से पानी निकालें, चाहे तो आपके पास कॉटन का कोई हैंकी और रुमाल हो, आप उससे भी निकाल सकते हो। और उसके बाद मैंने इसके अंदर नमक डाला है। ये आपको मैं जो अभी बना रही हूँ, मैं तुरंत गैस पे मैंने ऑयल रख दिया है पकौड़े बनाने के लिए। अगर आप इसको बना के बिल्कुल भी मत रखिएगा, नहीं तो नमक डला हुआ है ना, इसका पानी छूट जाएगा। तो अगर आप थोड़ी देर के बाद बनाना चाहते हो तो आप ग्रेट करके सिर्फ रख दो, फिर ये बाद में आप बना सकते हो। बट अभी मैंने नमक डाला है तो मुझे इमीडिएटली इसे बनाना होगा। तो मैंने इसमें क्या खास डाला है, मैंने इसमें खसखस डाली है और इसमें सूखी धनिया डाली है पाउडर, कोरिएंडर पाउडर और सूजी डाला है। इन तीनों से क्या होगा, जो भी थोड़ा बहुत पानी होगा लौकी में वो एब्जॉर्ब हो जाएगा सूजी की वजह से और सूखी धनिया की वजह से। और खसखस बिल्कुल ही हमारे यहाँ वो डाली जाती है, उससे इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है खसखस डालने से। और मैंने इसको बिना पानी के ही गूंथ लिया है, अच्छे से मिक्स कर लिया है। मतलब मैंने ऑलरेडी गैस पे ऑयल रख दिया गरम करने के लिए, अब मैं तुरंत इसे फ्राई कर लूँगी। सूजी डालने से एक और फ़ायदा है, जैसे कि आपके कोफ्ते बन जाते हैं और आप इसे ग्रेवी में डाल दोगे और अगर चाहिए 2 घंटे भी पड़े रहेंगे, कोफ्ते वैसे के वैसे ही रहेंगे, बिल्कुल भी टूटेंगे नहीं। आप अगर इसको बाद में गर्म भी करोगे, बिल्कुल ज्यों के त्यों रहेंगे ये कोफ्ते, और नरम भी रहेंगे और टूटेंगे भी नहीं। और मैंने इस तरह से इसे मीडियम टू लो फ्लेम पे बना लिया है, और जैसे ही ये कलर हो जाए मैं इसे निकाल लूँगी। अगर आप चाहे तो इसका थोड़ा लाइट कलर भी कर सकते हो और डार्क कलर भी कर सकते हो, बट अंदर से एक बिल्कुल भी अच्छे से कच्ची नहीं रहनी चाहिए। तो मैंने इसमें 2 बड़े अनियंस डाल दिए हैं, जिंजर गार्लिक डाल दिए इसमें, और हरी मिर्च, इलायची, छोटी इलायची, बड़ी इलायची, और ये है दालचीनी। दालचीनी को मैं तोड़ के डाल रही हूँ। अगर आपके पास इसका पाउडर हो तो आप दालचीनी का पाउडर भी डाल सकते हैं। और फिर मैंने कढ़ाई में जीरा डाल दिया है, हींग, जो प्याज का मसाला है वो मैं डाल दूंगी इसमें, और इसे अच्छे से भून लूंगी। अगर आप चाहे तो थोड़ा सा और एक्स्ट्रा ऑयल ले सकते हैं, अगर आपको बहुत ही ज़्यादा प्याज भुना हुआ पसंद हो तो। अब मैंने उसी जार में 3 टमाटर ले लिए हैं मीडियम साइज के, और उसका एक पेस्ट बना लिया है। मैंने इसमें हल्दी डाली है, टर्मरिक, कश्मीरी लाल मिर्च, आप नॉर्मल भी डाल सकते हो मिर्च, नमक, और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे।
अब हम इसमें टमाटर का जो पेस्ट बनाया था वो अब इसमें मिक्स कर देंगे। देखिए अगर आप ग्रेवी बना रहे हो, मैंने ग्रेवी बना के रख दी थी, फिर मैंने एक घंटे के बाद मैंने खाना सर्व किया, तो फिर एक घंटे के बाद मैंने इसमें कोफ्ते डाले थे। अगर आप एक घंटे पहले ही बना डाल के रख दोगे कोफ्ते, तो इसका जो पानी होगा ग्रेवी का वो एब्जॉर्ब हो जाता है, तो फिर बहुत गाढ़ी हो जाती है ग्रेवी, तो इस बात का ध्यान दीजिए। अगर आप चावल के साथ खा रहे हो तो थोड़ी पतली रखिएगा। मैंने क्या किया था, मैं रोटी के साथ खाई थी तो मैंने इसकी ग्रेवी गाढ़ी रखी थी, और अब ये जो खरबूजे और काजू का जो पेस्ट है वो मैंने पीस के इसमें डाल दिया। इससे क्या होगा, बिल्कुल भी जो ग्रेवी का जो टेस्ट आएगा वो आपको मलाई कोफ्ता जो मार्केट में मिलता है ना, वो ग्रेवी का टेस्ट आएगा जो आप रेस्टोरेंट में खाते हो। फिर मैं इसमें कसूरी मेथी डाल रही हूँ। और किचन किंग मसाला, अगर आपके पास किचन किंग मसाला नहीं हो तो आप छोला मसाला डाल सकते हो, कोई भी अगर आपके पास मसाला हो आप डाल सकते हो, और चाहे तो आप स्किप भी कर सकते हो। मैं इसमें पानी अपने हिसाब से डाल रही हूँ क्योंकि मुझे रोटी के साथ खाना है। आप अगर चावल के साथ खाना पसंद करते हो तो आप इसकी ग्रेवी थोड़ी पतली रखिएगा। अब मैं गैस ऑफ कर दूंगी। अब मैंने इसमें कोफ्ते डाल के अब सर्व करने जा रही हूँ। इतनी गाढ़ी मैंने रखी है अपने हिसाब से। अगर आपको पतली पसंद हो तो आप इसमें गरम गरम पानी डाल सकते हो, और थोड़ी पतली करने के लिए। और ये बनके तैयार है। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जल्दी ही मिलते हैं फिर एक नई रेसिपी के साथ।